मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो पाबंदियां लगाई गई थी उसे भी खत्म कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाती है। शिवराज सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया। युवा नहीं, कांग्रेस के दलाल बेरोजगार हुए हैं। इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने कई अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है। मध्य प्रदेश में लगभग कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया है। कुछ सेगमेंट छूटे थे वो भी आज से शुरू हो रहे हैं, जैसे मॉल, जिम, अब रेस्टोरेंट में भी आधी कैपेसिटी पर डाइनिंग बिठाकर भी भोजन कराने की छूट दी गई है। शादी की भी जो सीमित संख्या है उसको और बढ़ाया गया है, 50 तक अलाउ किया गया है। 25 वधु पक्ष के और 25 वर पक्ष के अतिथि रहेंगे। पर फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना समाप्त नहीं हुआ, कोरोना की गति मध्यम हुई है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी तो जिए परंतु कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नहीं तो हम अपने को और अपने परिवार को संकट में डालेंगे। कि शिवराज सिंह चौहान जी ने तो मध्य प्रदेश में रोजगार दिया है, हमारी सरकार को उठाकर देखिए, सरकारी नौकरी में रोजगार हो या स्वरोजगार हो, हमने रोजगार दिया। ये अलग बात है कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, पर 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी युवा को लाके खड़ा कर दो जिसको कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिला हो। ये तो बाहें चढ़ा चढ़ा के राहुल गांधी ने कहा था, जो तथाकथित रूप से अभी तक युवा हैं।